गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हो रहे 11:40 और हमारे घर पे दो शैतान आए हुए हैं। अभी मिलवाता हूँ यहीं पे बगल में। हेलो कर दो, हेलो कर दो। हेलो दो और भी हैं। ये क्या बोलूँ, ये किसकी लड़की है? थोड़ा लंबा मेरे को बताना पड़ेगा। ये जो बच्चे आए हैं ना, ये मेरी बहन की दोस्त की बहन के बच्चे हैं। काफी लंबा रिलेशन है ये। ये हाथी है, ऐसा ये कह रही है। हाथी ये वो वाला है जो मशीन से निकला था, बताया था मैंने। तो ऐसा करते, पहले इस ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नहीं, गुड आफ्टरनून इंटरनेट। मैं हूँ सौदेवानो। एक सेकंड, गुड आफ्टरनून इंटरनेट। मैं हूँ सौदेवानो और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी, और अभी बस घर पे ही हूँ। अभी जाना था मेरे को, पर अभी घर पे ही हूँ। फिलहाल मैं फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्या गाड़ी 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 वूं वूं। तो भाई देखो, ऐसा सीन है कि बच्चे आ रखे उठे, सब ठीक है। प्लस अभी मैं जा रहा हूँ एक बारी द्वारका सेक्टर 5 मधुविहार। काम है, बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर है। और उसके बाद मेरे को जाना है एक बार सेक्टर 23, वही छोटा मोटा काम निपटाना है, बस चलते हैं। और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत व्लॉग है जो शूट कर लूँगा, तो मैंने कहा ये भी ठीक है, लेट्स गो। महिंद्रा के आया हूँ शोरूम सेक्टर 5, कुछ पता करने आया हूँ। भाई ये है महिंद्रा की XUV 300 और ये है महिंद्रा की रॉक्स, रेड कलर में खड़ी है भाई। फाइनली 4 डोर देखने में, डैम भाई, फाइनली फाइनली 5 डोर देख रहा हूँ अपनी आंखों से। अभी तक मैंने देखा नहीं है, इसी का ही थोड़ा बहुत पता करने आए हैं, करते पता। ब्यूटीफुल तो लग रही है भाई, बहुत बल्कि है भाई, सच में कसम से। देखो अभी सीन ऐसा है कि थार रॉक्स की जो है बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी तो, पर ये अमाउंट है जिसमें 11.5 लाख का लोन लेंगे। 9% इंटरेस्ट लगेगा। 3 साल की EMI बनेगी 36,570, 4 साल की बनेगी 28,618 और 5 साल की बनेगी 23,870 रुपये। ये, और अगर तुम बुक कराते हो दिसंबर से पहले तो सारा पैसा रिफंड है, कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, उसके बाद चार्जेस कटेंगे, ऐसा मेरे को बताया गया फिलहाल तो। बाकी अभी वेट कर रहा हूँ मैं टेस्ट राइड का। और ये थार रॉक्स की प्राइस लिस्ट आप लोगों के सामने, आप पोज करके देख सकते हो भाई कैसा पड़ रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ थार रॉक्स, ये है इसका बैक दरवाजा, अंदर लेदर फिनिश में है, प्लस बूट का ये भी देखा, बीच में गिलास रखने वाला। ये फर्स्ट टाइम है कि मैं थार को देख रहा हूँ ऐसे 4 डोर में। मैंने 2 डोर भी देख, मतलब 3 डोर भी देखा, वो भी ठीक है, अच्छा है, वो अपनी जगह अच्छा है, ये भी अपनी जगह अच्छा है। प्लस यहाँ पे बोतल रखने का स्पेस मिल रहा है। फ्रंट की बात करें तो मेरे को सबसे ज़्यादा फनी ये लगा है, दिखाता हूँ सबसे ज़्यादा मेरे को ये फनी लगा है, ये देखो बहुत छोटा है भाई, इसमें गाड़ी के कागज़ भी नहीं आएंगे। बाकी तो अच्छा है, इंटीरियर खूबसूरत है। बाकी हार्ड टॉप है, सनरूफ है, और जो टॉप मॉडल है उसमें है तुम्हारा मूनरूफ पूरा कंप्लीट, पावर विंडो, क्रोम फिनिश, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है यार, अच्छा लगा। ओह ओके, बूट को बड़ा भी कर सकते हैं सीट को नीचे करके, यहीं पे हैंडल बार दे रखा है जिससे बूट मतलब डिक्लाइन हो सकती है सीट ना थोड़ी और उस हैंडल से। बाकी बूट का स्पेस भी मस्त लगा मुझे, ये 600 लीटर का बूट स्पेस है भाई, ऐसा मैम ने बोला है, मेरे को तो इतना नॉलेज है नहीं, बाकी आप लोगों के सामने आ रहा होगा। अभी मैं जाऊंगा टेस्ट राइड लेने, देखते हैं कौन सा कलर मिलता है। वैसे तो मेरे ख्याल से वाइट ही मिलेगा, पर देखते हैं, करते हैं कंटिन्यू। बाकी 4 डोर 6 ही। तो अब आ जाते हैं ड्राइविंग साइड। ड्राइविंग साइड में पावर विंडो मिल जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जिसमें बैठ रहा हूँ मैं, सीट पीछे करनी पड़ी। अरे इसमें तो पाँव ही नहीं आ रहे हैं, ओ माय गॉड भाई, मैं 6 फीट से प्लस हूँ, इसमें तो पाँव ही नहीं आ रहे। एक सेकंड मैम, इतनी सीट पीछे होती है इसकी, बाकी डिक्लाइन होएगा, मैम पाँव ही नहीं आ रहे इसमें तो पोपट हो गया, इतना ही है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सीट ऊपर हो रखा था, बस इतना ही होगा लास्ट। हाँ फिर भी बेटर है, अब फिर भी बेटर है भाई। भाई देखो, अब तुम मेरे को ना गवार बोलोगे, यहाँ पे था लीवर, ये वाला लीवर जिसे सीट ऊपर कर लेते हैं, तो किसी भाई साहब ने ऊपर करी हुई थी, अब मैंने इसको नीचे कर लिया तो पाँव प्रॉपर आ रहे हैं, इतना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही। मतलब 6 फीट का प्लस हूँ तो ऑफकोर्स मेरे को स्टार्टिंग में तो लगा, मैंने कहा सीट ये क्या कर दिया महिंद्रा वालों ने, पर अभी ठीक है। और अभी चाबी नहीं है, अलाउ भी नहीं होता है मतलब स्टोर के अंदर चाबी लेना। तो सनरूफ है बस, ये पीछे से खुला हुआ है पूरा सनरूफ, मून रूफ टॉप मॉडल में, ये टॉप से नीचे वाला है
बाकी इसमें एडजस्टेबल है ये सीट बेल्ट वाला भी। नाइस यार, पर इंटीरियर वाइट दे रखा है, मेरे को प्रॉब्लम ना वाइट इंटीरियर से हो रही है, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है ये वाइट इंटीरियर है ना, इतना ज्यादा करना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है। और बाकी जितना मेरे को पता है कि ये जो है डे नाइट ऑटोमेटिक दे रखा है मिरर, ऐसे स्कॉर्पियो में भी दे रहे हैं अब। और बाकी ये है जो ब्यूटीफुल है, अच्छा है, मेरे को तो ठीक लगा। वो चाइल्ड सीट का लॉक भी दे रहे हैं भाई, चाइल्ड सीट लॉक काफी अपग्रेडेड है भाई ये, पुराने वाले में नहीं देखा मैंने। बाकी तो मेरे को ड्राइव करके पता चलेगा, यहाँ पे यूएसबी दे रखा है, यहाँ पे टाइप सी दे रखा है, 65 वाट का है, तो मतलब फास्ट चार्जिंग है। अच्छा ये ऑन करने के बाद होगा शायद मेरे ख्याल से, तब यूज होंगे बटन, बाकी ये बटन किसी काम के नहीं है। यहाँ तुम्हें मिरर का मिल जाता है, यहाँ मोड मिल जाता है, यहाँ ऑटो मिल जाता है, यहाँ तुम्हें मैक्स एसी मिल जाता है, ये वेंट मैनुअल दे रखे हॉट कोल्ड करने के लिए, बाकी ऑटोमेटिक गियर सिस्टम मिल जाता है, यहाँ पे पार्किंग का मिल जाता है, बाकी एक छोटा सा बूट स्पेस ये दे रखा है, पता नहीं क्यों दे रखा है, बस ये हाथ रखने के लिए दे देते तो काफी होता, बाकी एक छोटा सा दे रखा है, इसमें गाड़ी के कागज भी नहीं आएंगे भाई, फिलहाल तो ये चल रहा है। अभी जाएंगे टेस्ट राइड के लिए। है भाई चीज तो है, मजाक नहीं भाई, चीज है भाई, चीज है, बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई, मेरी हाइट वाले जितने, मतलब 6 फीट से थोड़े हाइट तुम्हारी अच्छी है, तो तुम्हें पीछे बैठने में तकलीफ होने वाली है, मतलब पीछे तुम किसी को नहीं बिठा सकते बच्चे के अलावा। ये भी पूरी सीट एडजस्टेबल है मेरे हिसाब से, तो अब पीछे का स्पेस देख लो कितना सा बचा है। जो अभी मिली है मेरे को, मेरी व्हाइट थार, पर इसमें कुछ चीजें चेंज है, जैसे ग्लोसी है मैनुअल में, ये भी ग्लोसी है इसमें, बाकी इसमें मूनरूफ है भाई। अभी अभी रॉक्स की टेस्ट राइड लेके आए हैं, टॉप से नीचे वाला जैसे बताया था अंधेरा हो गया, बाद में बात करते हैं इस बारे में।